ahora toca el cuestión de técnica. A की क्षमता B से दोगुनी है. A की क्षमता B से दोगुनी है. दोनों मिलकर काम को 18 दिनों में कर सकते हैं. दोनों मिलकर काम को 18 दिनों में कर सकते हैं. तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकेगा. तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकेगा. देखिएगा ए की क्षमता बी से दोगुनी है. यानी ए अगर दो बेस टाइम करेगा तो बी करेगा एक बेस टाइम. ए की क्षमता बी से दोगुनी है. ए अगर दो बेस टाइम करेगा तो बी करेगा एक बेस. क्षमता क्या होती है. क्षमता होती है प्रतिदिन का काम. क्षमता क्षमता क्या चीज है. एक दिन के काम को हम अपनी क्षमता बोलते हैं. एक दिन के अंदर कोई टाइपिस्ट 10 बेस टाइप कर देगा ये उसकी क्षमता है. एक दिन के अंदर कोई टाइपिस्ट 50 बेस टाइप कर देगा ये उसकी क्षमता है. तो क्षमता है पर डे वर्क. और क्षमता और समय एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. क्षमता और समय एक दूसरे का इनवर्स. इनवर्स मतलब उल्टा. कि एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी. अगर ये बढ़ेगी तो ये घटेगी. तो क्षमता और समय एक दूसरे का इनवर्स. एक दूसरे का इनवर्स. ठीक है. तो क्षमता होता है प्रतिदिन का काम. एक दिन का काम प्रतिदिन का कार्य. ये चीज है क्षमता. देखो ए की क्षमता बी से दोगुनी है. अगर बी एक है तो ए दो है. दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे. तीन. दोनों मिलकर उस काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं. तो 3 × 18 कितना हो जाएगा. 54. कुल काम 54 हो गया. और ये बात मैं आपको पिछली क्लास में सिखा चुका हूं कि जब भी मुझे किसी के दिन निकालने हैं तो कुल काम बटा प्रतिदिन का. जब भी मुझे किसी चीज के दिन निकालने हैं तो कुल कार्य बटा प्रतिदिन का कार्य है. तो अगर मेरे को ए के दिन निकालने हैं तो 3 × 18/2. 2 से कटेगा 9. और 9 × 3 टोटल कितना आ जाएगा. आंसर आ जाएगा 27. नोट करिएगा. आंसर आ जाएगा 27. ए बी से 25% अधिक कुशल है. ए बी से 25% अधिक कुशल है. ए बी से 25% अधिक कुशल है. बी किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है. बी किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है. तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकेगा. तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकेगा. A
इधर ध्यान दीजिएगा, ए बी से 25% अधिक प्रतिशत होता है 100 के रिस्पेक्ट में, बस ये बात का पता होना चाहिए। अगर बी की क्षमता 100 है तो ए की हो जाएगी 125, बी की 100 है तो ए की 125, 25 से जाएगा 5 बार और 25 से जाएगा 6, ये अगर 5 है तो ये आ जाएगा, अगर ये 5 है तो ये आ जाएगा 4। ए अगर एक दिन में 5 काम करेगा तो बी एक दिन में 4 काम करेगा। अब अगली है, इसने बोला कि बी उस काम को 20 दिनों में, बी एक दिन में कितने काम करता है, और बी अगर एक दिन में 4 करेगा तो 20 दिन के अंदर 4 गुणा 80 हो गया। बी अगर एक दिन में 4 काम करेगा अब तो 20 दिन के अंदर 4 गुणा 20 से 80, बात समझ आ गई। तो कुल काम, अब मेरे को निकालना है एक एक दिन, तो कुल काम बटा प्रतिदिन का काम, तो कुल काम कितना है 80, और ए एक दिन में कितने काम करता है 100, और ए अगर एक दिन में 5 करेगा तो 5 से कटेगा 4 और 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा 16, तो आंसर कितना बन जाएगा 16, आंसर आ जाएगा 16 days। नोट करिएगा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 16। बहुत आसान सी चीज है कि ए बी से 25% अधिक कुशल है, तो ए की अगर 125 है तो बी की 100 है, तो ये 5 है तो ये 4 है, और ये 5 और 4। अब इसने बोला कि ए अकेला काम को, ये बी अकेला काम को 20 दिन में, बी एक दिन में करता है 4 काम, हर रोज के 4, अगले दिन फिर 4, अगले दिन फिर 4, अगले दिन फिर 4, ऐसे ऐसे 20 दिन तक लगा रहेगा, तब ये करेंगे बताइए ए अकेला, तो जब भी बोले को किसी के दिन निकालते हैं तो कुल काम बटा प्रतिदिन का काम, तो 80 बटा 5 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखिएगा देखिएगा अगला, अच्छा मैं इसको इस तरीके से एक तरीके से और समझाता हूँ, क्योंकि आगे नॉलेज काम आएगी उस बात की। अभी मैंने आपने देखा कि क्षमता का जो काम था, क्षमता ये इसकी 5 आई थी तो इसकी आगे थी 4 क्षमता, और अभी मैंने आपको ये भी लिखवाया था कि क्षमता और समय एक दूसरे का इनवर्स, क्षमता और समय एक दूसरे का इनवर्स है, उल्टा, यानी कि पीछे वाली वैल्यू आगे और आगे वाली वैल्यू पीछे, यानी ये अगर 4 दिन लेगा तो ये कितने दिन लेगा, ये 4 लेगा तो ये कितने लेगा, लेकिन इसने बोला ये 5 ना होकर ये है कितना, कितने गुना पर 4, 4 का भी 4 गुना, तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 9। एक बार दोबारा बता देते हैं, क्षमता 5-4 है, क्षमता और समय उल्टा होता है, उल्टा मतलब पीछे वाली वैल्यू को रखो आगे और आगे वाली वैल्यू रख दो पीछे, तो ये 4 चीज है, लेकिन इसने बोला ये 5 का होकर ये इतने गुणा था 4 गुणा 4 का 4 गुणा कितना हो जाएगा। लिखिएगा अगला, ए बी से 3 गुना कुशल है, ए बी से 3 गुना कुशल है, ए बी से 3 गुना कुशल है, जिसके कारण ए किसी काम को करने में, जिसके कारण
एक किसी काम को करने में 60 दिन कम लेता है, जिसके कारण एक किसी काम को करने में 60 दिन कम लेता है। एक किसी काम को करने में 60 दिन कम लेता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे? तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे? तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे? देखिएगा, अब इसने बोला कि एक की क्षमता बी से तीन गुनी है, यानी एक तीन है तो ये कितना है? एक। और मुझे पता है कि क्षमता और समय एक दूसरे का इनवर्स उल्टा, कि अगर पीछे वाली वैल्यू आगे तो आगे वाली वैल्यू ये एक, तो ये कितना? कि अगर ये एक तो ये कितना है? तीन। और एक और तीन तो अंतर कितना? अगर ये तीन दिन लेगा तो ये कितने दिन लेगा? एक दिन। तो कितना दिन कम हो गया? दो। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है दो दिन कम ना होगा, कम कितना है? साठ। दो की वैल्यू साठ, कितने गुना कर? तीस। एक का भी 30 एक गुना 30 कितना बन जाएगा? 30। और 3 गुना 30 कितना बन जाएगा? 90। तो देखो अब अगर मैं इसे अकेले अकेले के दिन पूछता, ए के तो दिन आगे 30 और बी के दिन आगे 90, अकेले के दिन पूछता। लेकिन अब मेरे से उसने पूछा कि बताइए ए और बी मिलकर, तो अब मैं आपको चेक कर रहा हूं कि आपने घर पे जाके वो क्वेश्चन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। अब ये ए के दिन है 30, ये बी के दिन है 90, और 30 और 90 का एलसीएम बताओ कितना? 90 आएगा। बात बताई थी उसने 30 और 90 का एलसीएम कितना आ गया? 90। की बात मैं आपको पहले ही बचा चुका हूँ, 90 डिवाइडेड बाई, अगर ये तीन और ये एक टोटल कितना हो गया? और 90/4 कितना आ जाएगा? 22। तो आंसर आ जाएगा 22/2 days। नोट करिएगा, आंसर आ जाएगा 22 days। नोट ये चीज मैंने उस दिन आपको बताई थी कि कैसे कैसे होते हैं, एलसीएम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बात बड़ी छोटी सी है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। तैयारी के दौरान बस तैयारी के दौरान ये होना चाहिए कि हम लोग पढ़ कहा रहे, जरूरी नहीं कि आपको फील्ड का हिस्सा बने, क्या पता हो सारी की सारी फील्ड फेल होने के लिए। मैंने समझाने के लिए जब हो गया था शादी, जो सबके अंदर होना भी चाहिए कि वैकेंसी आ गई आ गई। अरे अगर वैकेंसी का हकीकत में मीनिंग निकालना है ना, तो एक्चुअली आपको वो पढ़ना पड़ेगा जो पेपर में। यहाँ पर हम लोगों ने जो चीज आपको बताई है, बताइए मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर यहाँ की किताबें जो आपको मिल रही है और यहाँ टीचर्स के नोट्स और घर पे जाके अपनी करेंगे, तो गारंटेड आने वाले 1-1.5 महीने के दौरान आप अंतर समझ जाएंगे कि क्या अंतर है हमारी तैयारी में दूसरों की तैयारी। और नहीं तो ये अंतर सभी समझते हैं, लेकिन कब समझते हैं? पेपर होने के बाद जब कुछ नहीं बचता है। राजस्थान पुलिस में जिसको लग रहा है ये आखिरी और अंतिम होगा, क्योंकि अगली बार तक जब पुलिस की वैकेंसी आएगी ना, तब तक हमारी जो पटवारी में भी लगने का ये पहला और आखिरी मौका है। अब पहली बार एग्जाम देंगे पटवारी का और आखिरी बार भी देंगे, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये ऐसा सी नहीं कि एक बार फेल हो गए तो फिर अब सिटी के पास चले जाओ फिर दोबारा पास हो जाएंगे, नहीं। ये हकीकत है, ये रेलवे के साथ, और रेलवे में तो वैकेंसी और आ रही है, और हम लोग एक साथ क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि मन में ये भय निकल जाए कि मैथ तो मैथ ही आपको पढ़ना है, तो रेलवे का जो बच्चा पटवारी का पेपर देगा वो रेलवे का भी देगा, दोबारा पढ़ना है। तो सेम
एक मेंटेलिटी क्रिएट हो जाएगी कि मेरी रेलवे की भी तैयारी होगी, मेरी पटवारी की भी होगी, मैं दोनों दूंगा। मगर एक तो सचिन अकेला बैटिंग कर रहा है, उधर से गेंदबाज बचे हुए, तो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है कि यार अगर इन केस सचिन स्ट्राइक में उधर चला गया और बैट आने की उसको इधर आ जाएगी। अगर दोनों तरफ ही कमर बल्लेबाज है तो फिर थोड़ी सोचेंगे हम रोहित पर कोहली खड़ा है, एक हार्दिक पांडे खड़ा है, तो देखिए किसी की बैटिंग आ जाए तो हमारी मार नहीं कैच। तो यानी कि अगर आप एक साथ सभी एग्जाम के लेके चल रहे हैं, मैच तो वही एनटीपीसी हो रहा है, ग्रुप डी आपका हो रहा है, पटवारी आपका चल रहा है, असल में ये जो आपका असल में चल रहा है, तो यानी कहने का मतलब है कि हम एक साथ तीनों चारों एग्जाम पे पकड़ बढ़ाते हैं, समझ रहे हैं ना, इसलिए हम लोग एक साथ रखते हैं कि बच्चे के मन से हो गया खत्म हो जाए। लेकिन हाँ, अगला प्रश्न, बीस आदमी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, 20 आदमी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो बताइए 15 आदमी उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे, तो बताइए 15 आदमी उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। आदमी दिन बराबर है कुल कार्य, ये एक लाइन होती है, ये ऐसा होता क्यों है, इसलिए होता है बताऊंगा, लेकिन पहले लिखो, मैन इनटू डेज बराबर है टोटल वर्क, आदमी गुना दिन बराबर है कुल कार्य, आदमी गुना दिन बराबर है कुल कार्य। अब समझिएगा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, इसने बोला कि 20 आदमी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो आदमी गुना दिन ये कुल काम हो गया, तो बताइए 15 आदमी उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे, तो 15 गुना 20 गुना 30 बराबर है 15 गुना n, तो 15 इसको काटेगा कितनी बार, n बराबर कितना हो जाएगा 40, तो आंसर कितना आ जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 9 के। लेकिन 20 आदमी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, 20 आदमी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि वे प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हो, जबकि ये प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हो, बीस आदमी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि वे प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हो, तो बताइए 15 आदमी उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे, यदि वे प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हो, तो बताइए 15 आदमी उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे, यदि वे प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हो, देखिएगा 20 आदमी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे, तो बताइए 15 आदमी उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे, यदि वे प्रतिदिन 8 घंटे। आदमी गुना दिन, अब दिन के अंदर आ गया है समय, आदमी गुना दिन, अब दिन में आ गया है घंटे कि आप कितने घंटे काम करते हैं, तो देखेंगे यहां से 15 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 5 बार, तो n बराबर कितना आ जाएगा 30।
सॉल्व करिएगा क्वेश्चन, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, सिलेबस कोई मुश्किल नहीं है अगर आप परफेक्शन के साथ तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बच्चे कंपटीशन के फील्ड में फेल इसलिए होते हैं कि तैयारी होने के वक्त तैयारी नहीं करते, चोट लगने के बाद तो समझ सबको आती है लेकिन पोलियो की बूंद पोलियो होने से पहले पी जाती है भाई, समझ गए ना, पोलियो होने के बाद पीते रहो पोलियो की बूंद, फिर क्या है, फिर कुछ नहीं, फिर बस उस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, खत्म तो नहीं होता। तो इसलिए तैयारी ना पहले एक भरोसे से तैयारी की जाती है कि हाँ, मैंने एक बात बताई थी उस दिन आपको कि अगर मैं चार बार सिलेक्ट हुआ तो वैकेंसी लगेगी, टीचर सभी हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बहुत अच्छी जगह पर पहुंचा रहे हैं, लोग मिल रही है, लेकिन उनके अंदर और हमारे अंदर फर्क इतना सा है कि अगर मैं भी अगर सिलेक्शन ना लिया होता तो शायद मैं भी उनकी तरह सोच पाती, तो थिंकिंग पावर है यही आगे क्रिएट करती है। और जहां पर आपको लगे कि बहुत सही चीज चल रही है वहां पे भरोसा रखने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, कि भरोसा मैंने उन दिन बोला था कि बहुत सारे लोगों पे भरोसा किया आपने, बहुत सारा काम किया है, लेकिन एक बार करके देखिए आने वाले एक डेढ़ दो महीने में ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ कोई आपका फ्रेंड नहीं और मतलब आप यहाँ पढ़ रहे होंगे, दोनों में आपको अंतर दिखाई दे जाएगा 101%। लिखिएगा क्वेश्चन कि 20 आदमी 400 खिलौने 30 दिन में बना सकता है, देखिएगा 20 आदमी 400 खिलौने 30 दिन में बना सकते हैं, 20 आदमी 400 खिलौने 30 दिन में बना सकते हैं, तो बताइए 15 आदमी 600 खिलौने कितने दिन में बना सकेंगे, तो बताइए 15 आदमी 600 खिलौने कितने दिन में बना सकेंगे, तो बताइए 15 आदमी 600 खिलौने कितने दिन में बना सकेंगे। अब एक बात देखिएगा, मैंने अभी आपको एक चीज कराई थी कि आदमी गुणा दिन बराबर है कार्य, आदमी गुणा दिन बराबर है कार्य, ठीक है, अगर मैं इक्वल टू के इधर ले आऊं इसको तो क्या मैं स्पेशल लिख सकता हूं कि आदमी गुणा दिन, कार्य तो एक के साथ गुणा में है, एक तो हमेशा गुणा में होता है, और आदमी गुणा दिन बटा कार्य, आदमी गुणा दिन बटा कार्य इक्वल टू के, बोलो ये बात मानते हैं आप यहां तक, यानी एक बात हमारी क्लियर हो गई है कि हमेशा जो काम है ना वो काम हमेशा नीचे आएगा, काम हमेशा नीचे आएगा, ये बात का ध्यान रखो, काम हमेशा नीचे आएगा। तो अब इसने बोला कि 20 आदमी 30 दिन में 400 खिलौने, तो बताइए 15 आदमी कितने दिन में 600 खिलौने, हमेशा काम को नीचे देखना है, ये चीज मैंने आपको यहां से बता दी क्यों ऐसा होता है, हमेशा ध्यान रखिए काम को नीचे लिखना है, और क्यों, कोई भी चीज नीचे नहीं आएगी सिर्फ काम नीचे आएगा, तो 20 अब यहां से देखा दो जीरो से दो जीरो कटती, चार से कटेगा पांच बार, 15 से कटेगा दो बार, एम बराबर है 5 दो 10 गुना 6 कितना जाएगा 60, तो एम का मान आ जाएगा 60, नोट करिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एन का मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 20 आदमी 30 दिन में 600 खिलौने इस बार काम आ गया, हमेशा ध्यान रखिए काम को नीचे लिखना है,
लिखिएगा क्वेश्चन। कुछ आदमी किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, कुछ आदमी किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, यदि कुछ आदमी किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, यदि प्रत्येक दिन 20 आदमी काम छोड़कर चले जाए, यदि प्रत्येक दिन 20 आदमी काम छोड़कर चले जाए तो काम 7 दिनों में पूरा होता है। यदि प्रत्येक दिन 20 आदमी काम छोड़कर चले जाए तो काम 7 दिनों में पूरा होता है। काम 7 दिनों में पूरा होता है तो बताइए शुरुआत में कितने आदमी थे, तो बताइए शुरुआत में कितने आदमी थे। कुछ आदमी मैंने माना है आदमी कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन काम पूरा हो जाएगा। अभी तो सुना था आदमी गुणा दिन, आदमी गुणा कुल दिन कुल कार्य, आदमी गुणा शेष दिन शेष कार्य, आदमी गुणा एक दिन एक दिन का कार्य, कितने उतना कार्य। बात समझ आ गई। तो इसमें बोला कि कुछ आदमी 4 दिन में काम पूरा करते हैं, तो आज भी एन आदमियों ने काम किया, कल भी एन काम करेंगे, परसों भी एन काम करेंगे, तरसों भी एन काम करेंगे, तो 4 एन ही कुल काम आ गया। अब दूसरी कंडीशन क्या बोली, एन गुणा एक की तो क्या हुआ, अगले दिन एन में से 20 चले गए, एन माइनस 20 और ब्रैकेट लगाकर गुणा एक, अरे एक की तो क्या गुणा करें, अगले दिन एन माइनस 40 उससे अगले दिन एन माइनस 60 उससे अगले दिन एन माइनस 80 उससे अगले दिन एन माइनस 100 और आखिरी दिन एन माइनस 120 गुणा एक। अरे एक एक की गुणा 30 ने मैंने गुणा एक की, दोबारा देखो, एक दिन दो दिन तीन दिन चार पांच छह सात, अब दिन आ गया ना। इसने बोला अगर एन आदमी करेंगे तो 4, और अब क्या करेंगे कि एन फिर एन माइनस 20 फिर एन माइनस 40 एन माइनस 60 एन माइनस 80 एन माइनस 120 और यहां तक आ जाएंगे 7, दोनों को बराबर कर दिया तो इधर से मैं देखूंगा 4n, उधर से मैं देखूंगा 7n माइनस 40 और 20 60 60 और 60 120 120 और 80 200 200 और 100 300 300 और 400 420 ये जब इधर ले आओ तो 3n बराबर है 420, एन बराबर कितना आ जाएगा 300। एन बराबर आ जाएगा 140। हर रोज 20 आदमी प्रत्येक दिन 20 छोड़ रहे ना, तो पहले दिन जितने भी थे अगले दिन 20 छोड़ गए, फिर वो जितने हो गए अगले दिन फिर 20 छोड़ गए, फिर वो जितने हो गए अगले दिन फिर 20 छोड़ गए, इसी तरीके से प्रोसेस चल रहा है।
देखिएगा अगला क्वेश्चन, 40 आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, 40 आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, चालीस आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य शुरू करते हैं, वे मिलकर कार्य शुरू करते हैं, तथा प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो बताइए कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो बताइए कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। बड़े अच्छे अच्छे और टेक्निकल क्वेश्चन है, किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से सीखने का एक ही बेहतर है, चीजों को बिल्कुल मिनिमाइज बहुत छोटे छोटे मेथड से, क्योंकि कंपटीशन के फील्ड में जितना तो बड़ा मेथड हो वैसे ही काम करेगा, बड़ा मेथड से निकल सकता ट्रैफिक में से, गाड़ी उससे जल्दी निकल सकती है, बाइक तो उससे बहुत जल्दी निकल सकती है, समझ गए ना, चीजों को बहुत छोटे छोटे मेथड से और फास्ट मेथड से। अब इसने बोला कि 40 आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, तो 40 गुना 40 टोटल कितना हो जाएगा, 1600 हो गया है टोटल वर्क, 1600 हो गया है टोटल वर्क, कुल काम हो गया 16, याद रखा है। अब इसने अपनी ट्रेनिंग में स्पष्ट बोला, उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया 40 और 10 दिन तक काम किया, तो 40 गुना 10 कितना हो जाएगा। अब जैसे ही 10 दिन हुए 5 छोड़ो, तो आज कितने रहेंगे, 35 गुना 10 कितना हो जाएगा। अब जैसे ही 10 दिन हुए 5 और छोड़ दिए, तो कितने बच गए, और 30 गुना 10 कितना हो जाएगा। अब जैसे ही 10 दिन हुए 5 और छोड़ दिए, कितना हो जाएगा 25, और 25 गुना 10 कितना हो जाएगा 250। और जैसे ही 10 दिन हुए 5 और छोड़ दिए 20, 20 गुना 10 कितना हो जाएगा 200। और जैसे ही 10 दिन हुए 5 और छोड़ दिए, अब जैसे हम कब तक लगे रहेंगे 1600 हो जाएगा, ऐसा हम कब तक लगे रहेंगे 1600 होने का, 400, 300, 700, 300, 1000, 200, 1200 और 100, 1300 और 200, 1500 कितना रहेगा, सिर्फ 100 रहेगा। तो अगर मैं अपने को सही सबक पे गिन दिया, अगर 15 गुना 10 करता तो कितना आता, लेकिन हमें 150 तो चाहिए नहीं, कितना चाहिए है 100, 15 गुना यहां मैं लिख देता हूं n या x, n का मान निकाल लेते हैं एक बार, तो देखिए n कैसे निकलेगा, n निकलेगा 100 बटा 15, 15 छः 90, 10 को 6 से ही 2 बटा 6 से ही 2 बटा 3, तो 10, 20, 30, 40, 50 और 6 से ही 2 बटा 3, तो टोटल कितना 56 से ही 2 बटा 3, नोट करिएगा क्वेश्चन, हम करा देगा 56 से ही 2 बटा 3,
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि एक एक कदम दर कदम और हम लोग बिल्कुल जीरो से लेके और जो आपके पेपर का लेवल है, लेकिन वर्तमान और एनटीपीसी के लिए मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा और सबसे जीत का रास्ता है वो है संख्या पद्धति। इसे अगले इसी बीच में एक दो कॉपी कॉपी करवा देता हूँ, एक दो कॉपी के बाद आपको संख्या पद्धति करवाएंगे ताकि कुछ संख्या पद्धति की चीजें धीरे 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 याद हो जाए कि आपको बस आप कहे अनुसार चलते रहिए। एक बार एक अच्छी गाइडेंस में तैयारी करके देखो, एक बार ही निकल जाओ, लेकिन अगर अच्छी गाइडेंस में तैयारी नहीं करेंगे ना, कई बार क्या होता था कि जैसे हाथ टूट गया, अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचा तो परफेक्ट बढ़ गया और अच्छे डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा तो सारी उम्र बेटा रहता। अब उसको हिम्मत नहीं है डॉक्टर तोड़ के, एक बार ही फेल होगी ना हमारे अंदर हिम्मत नहीं बचेगी। अगले 6-7-8 महीने जयपुर के किराया हम लोग घर वालों की कमर भी खोलनी चाहिए। घर वालों ने एक बार दिया है, एक बार ही, एक बार किसी ढाबे में खाने के लिए बैठ गए और वहां पे अच्छा खाना नहीं मिला। देखिएगा शुरुआत में किसी भी नए बच्चे के साथ बहुत अच्छा ट्रीट होता है, लेकिन हम लोग जैसे ही हम पैसा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये नहीं कि पहले दिन आपको ये जो चीज बदलनी है वो मैं पहले ही स्पष्ट बता देता हूँ कि भाई ये चीज में बदलाव आ सकता है। जो चीज है ऐसे नहीं कि आप वहां पहुंचे स्वाद आपको बहुत अच्छा मिला उसके बाद उसके बाद कुछ लेना, अब ऐसा तो नहीं है कि आप दो तीन रोटी खाएंगे ढाबे खाएंगे, आपको लंबी जर्नी में जाना है, बीच में बार बार गाड़ी में रोके, एक बारी पर भरोसा रखिए कि बिल्कुल परफेक्शन मुझे टीचर्स है और इससे बेहतर टीम आपको नहीं मिले, भरोसा रखिए उस बीच में। तो आपको छठवीं हाथ नहीं जाता है, लेकिन आपको 5-7 दिन करना पड़ेगा, 5 या 6 तारीख तक में, उसके बाद आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा फिर आज थोड़ा लेकर कर लेते हैं 10 मिनट पहले ही, और कल से मुलाकात होगी, कल भूख के साथ मुलाकात होगी। एक तरीका इसका एक्सरसाइज